कि लोकसभा चुनाव से पहले आज वोट का भी अंतिम दिन है, आखिरी चरण के मतदान को लेकर इम्पोर्टेंट मीटिंग है, काफी लीडर्स आए थे, किस तरह से क्या कुछ फैसला हुआ? देखिए सारे लीडर्स आज मिले क्योंकि सारे लीडर्स इलेक्शन के दौरान मिलकर बैठ नहीं सक रहे थे। बिहार में वहां के लोकल लीडर्स के साथ कैंपेन चल रहा था, यूपी में वहां के लोकल लीडर्स के साथ चल रहा था, इसीलिए हर देश के हर स्टेट में अलग अलग पार्टीज वहां लोकल लीडर्स के साथ मिलकर कैंपेन कर रहे थे। सारे पार्टीज मिलकर बैठने का कोई एक अवसर नहीं था, कोई मौका भी नहीं था, तो इसीलिए आज सारा इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद में आज हम लोगों ने बैठ के सारे पार्टीज बैठ के पूरा उनका एनालिसिस किए हैं, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन था, कैसा इलेक्शन था, कौन से मुद्दे थे, कौन से मुद्दे रेजोनेट किए, कौन से मुद्दों को हमारे के लिए वोट मिल रहा है, सारा चीज देखने के बाद में एक नंबर पे हम लोगों ने अराइव किया। 295 का जो मैजिक नंबर लेके आया, वो नंबर कहाँ से आया, क्या होता? मैजिक नंबर तो 272 है, 272 मैजिक नंबर है ये, हम उससे ज्यादा नंबर हमें आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो ये फीडबैक के आधार के ऊपर ये नंबर आए हैं। लीडर को लेकर कुछ बात की लोकसभा नहीं, अभी कोई लीडर को लेकर बात नहीं है। एक जरूरी सवाल, टीएमसी, पीडीपी और तमिलनाडु को छोटी पार्टियां जैसे वीसीके, इन लोगों नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो 14 पार्टियां थी सिर्फ उनको बुलाया गया था, सारे फुल फ्लेज इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं थी आज, और उसमें टीएमसी का कहना यह था कि इलेक्शन का दिन है, उनके कई लीडर्स इलेक्शन फ्रेम में आज हैं, तो उनको ये लग रहा था कि इलेक्शन के दिन वहां पे वायलेंस भी बहुत होता है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर मीटिंग होती तो हम आते, लेकिन कल कई लीडर्स बाहर जा रहे थे, अवेलेबल नहीं थे, आज मीटिंग हुई है वो, लेकिन अलायंस का हिस्सा है। आज शाम से एग्जिट पोल आएंगे, उसमें कोई भी नेता जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पवन खेड़ा का भी ट्वीट है, इस तरह से आप ये चीजों को, अब वो लोग वो कमेटी की फिर दोबारा मीटिंग किए हैं उनके डिपार्टमेंट की, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, और उसमें शायद तय किए हैं कि वो पार्टिसिपेट। बीजेपी का कहना है कि हार मान चुके हैं इसलिए डिबेट्स में नहीं आ रहे। बीजेपी के कहने से जो मालूम चुनाव नहीं होता, बीजेपी के कहने से कांग्रेस डिसीजन नहीं लेती, बीजेपी के कहने से कांग्रेस चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना फैसला नहीं करती या मुद्दे नहीं डिसाइड करती। हम लोग क्या हमारी पार्टी के लिए ठीक है, क्या हमारे पार्टी के हित में जाएगा, क्या ये देश के आवाम के हित में जाएगा, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। 100% सरकार बन रही है गठबंधन की।